डिप्टी सिविल सर्जन मैम, क्या बताना चाहेंगे? जो सीलिंग कार्रवाई थी वो खोल दी गई है, मरीजों को काफी परेशानी आ रही थी। हाँ, वैसे तो हमने सैटरडे को ही बंद की थी कि मरीजों को कोई परेशानी नहीं आए, और कल संडे था, और अभी सुबह हमारी 9:30 बजे DAC की मीटिंग कर दी गई है, और वहाँ पे उन्होंने ये ऑर्डर कर दिया है कि इसको डीसील कर दिया जाए। तो मैं सिविल हॉस्पिटल की तरफ से क्या लापरवाही रही थी, समय रहते रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था? हाँ, इनके 1.5 महीना हो चुका था, इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, और हमने इनको वर्बली भी बोला था कि ये करा लें ताकि जनहित में किसी को नुकसान ना हो, लेकिन इनकी तरफ से कोई पेपर्स आए नहीं थे तो हमें ये करना पड़ा। और स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो पीयूष शर्मा है, उनसे भी जानना चाहेंगे सर क्या कहना चाहेंगे, जो सील लगाई गई थी उसको खोल दिया गया सर? हाँ, उसको खोल दिया गया। क्या सर दिक्कत क्या हुई थी जिस कारण सील लगी थी सर? वो सिविल सर्जन ही बताएंगे आपको। तब हो गया, ऑपरेट हो गया? हाँ, ऑपरेट। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख रहे हैं करनाल के सिविल हॉस्पिटल की, जहां पर हमने आपको 2 दिन पहले भी बताया था कि किस तरह से कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर देखने को मिली थी, जिसके चलते सरकारी हॉस्पिटल की सिटी स्कैन और दोनों अल्ट्रासाउंड मशीनों को सील कर दिया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने ही यह कार्रवाई की थी, और इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब दोबारा से उसको खोलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें इस समय अंदर पहुंची हुई है। तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन की जो मशीनें सील की गई थी, अब उनको खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। जो सीलिंग है वो आप देख सकते हैं खोल दी गई है। जैसा कि जो PMO है पीयूष शर्मा, उन्होंने भी बताया कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो सील किया गया था लेकिन अब उसको खोल दिया गया है। ये तस्वीरें इस समय करनाल के सिविल हॉस्पिटल से आप देख सकते हैं, जहां पर जो सीलिंग थी वो यहां पर खोल दी गई है, क्योंकि एक रिन्यूअल नहीं था। रिन्यूअल के चलते जिस तरह से सिविल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कार्रवाई होती है, उसी तरह से सरकारी हॉस्पिटल में भी ये कार्रवाई की गई थी। नमस्कार, ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में सिटी स्कैन सेंटर और अल्ट्रासाउंड की जो मशीनों को सील कर दिया गया था, जानकारी यह मिली है कि उसको खोल दिया गया है। और आप ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, जहां पर सिविल हॉस्पिटल CMCT करनाल का जो सिविल हॉस्पिटल था उसका सिटी स्कैन सेंटर और उनके अल्ट्रासाउंड सेंटर सभी को सील कर दिया गया था। जानकारी यह मिली थी कि जो रिन्यूअल कराया जाता है वो समय पर नहीं कराया गया, तो कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर देखने को मिली थी। हालांकि यह तो शुक्र रहा कि शनिवार और रविवार का दिन था, नहीं तो मरीजों को काफी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ता। और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जो सभी पेशेंट्स हैं वो यहां पर आते हैं रूटीन में, और इस समय आप देख सकते हैं जो हॉस्पिटल के जो PMO हैं डॉक्टर पीयूष शर्मा वो भी यहां पर मौजूद हैं, और स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। तो पीयूष शर्मा हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे सर क्या कहना चाहेंगे, जो सील लगाई गई थी उसको खोल दिया गया सर? हां, उसको खोल दिया गया। तो क्या सर दिक्कत क्या हुई थी जिस कारण सील लगी थी सर? वो सिविल सर्जन ही बताएंगे आपको। तो हो गया, ऑपरेट हो गया? हां, ऑपरेट। तो इस समय आप देख सकते हैं PMO है डॉक्टर पीयूष शर्मा, जिन्होंने बताया कि सील को खोल दिया गया है। आप देख सकते हैं जो सील यहाँ पर लगाई गई थी उसको खोल दिया गया है, तो अपने आप में एक बड़ी अपडेट जरूर है, क्योंकि मरीजों को यहाँ पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, काफी मरीज यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कब से आप यहाँ पर आ रहे हैं, अल्ट्रासाउंड हो रहा है आपका? अभी नहीं हो जी, 10 बजे तक, 10 बजे ना अभी तक हुआ नहीं जी, कल आए थे, कल आज पर्ची बनी है, अभी तक वेट कर रहे थे, अभी कोई नहीं आया था। वो बोल रहे थे कल भी आए, कल तो बंद था सील, कल बंद थे जी। वैसे क्या बताया था इन्होंने? कल कुछ नहीं बोल रहा था जी, आज अभी तक बोल रहे थे भाई डॉक्टर आए नहीं, मशीन ना सील हो रही है, अब डॉक्टर आएंगे तो तब बताएंगे जी। क्या कहना चाहेंगे, कल भी आए थे आप? जी कल भी आए थे, अरे कल इन्होंने कहा था कि अल्ट्रासाउंड होएगा और आज दवाइयां ले जाओ, जरूरी दिक्कत तक थी जी। तो अभी तक नहीं हुआ शुरू? नहीं, अभी तक नहीं है ट्रीटमेंट शुरू। तो हालांकि आप देख सकते हैं अभी जो सीलिंग प्रक्रिया है उसको खोला जा रहा है, डॉक्टर्स की जो टीमें हैं वो पहुंच चुकी है, और अभी तक हालांकि सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड जो है शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ ही देर में जो जानकारी मिली है कि वे शुरू हो जाएंगे, जिसकी तस्वीरें इस समय आप करनाल के सिविल हॉस्पिटल से आप देख सकते हैं, जहां पर सीटी स्कैन सेंटर और अल्ट्रासाउंड की जो दो मशीनें थी उन दोनों को सील कर दिया गया था, सीटी स्कैन की मशीन को सील कर दिया गया था। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं, वो जानकारी मिली है कि वो यहां पर मौके पर पहुंची हुई है, ताकि इस सीलिंग की जो कार्रवाई है उसको खोला जा सके, और मरीजों को जो परेशानी आ रही थी, हालांकि कल रविवार का दिन जरूर था लेकिन इमरजेंसी में फिर भी सीटी स्कैन में अल्ट्रासाउंड हो जाते थे, लेकिन मरीजों को काफी परेशानी जरूर आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही किस लेवल पर रही, क्या दिक्कत रही जिसके चलते इसको सील किया गया, इसका हम आपको कारण बताना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जो एक्ट होता है जिसके तहत जो है सभी को रिन्यूअल लेना पड़ता है, तो वो रिन्यूअल नहीं लिया गया था सिविल हॉस्पिटल की तरफ से, समय से जानकारी मिली है, जिसके चलते उसको सील कर दिया गया था। तो इस समय बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, जुड़े रहिएगा हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख रहे हैं करनाल के सिविल हॉस्पिटल की, जहां पर हमने आपको 2 दिन पहले भी बताया था कि किस तरह से कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर देखने को मिली थी, जिसके चलते सरकारी हॉस्पिटल की सिटी स्कैन और दोनों अल्ट्रासाउंड मशीनों को सील कर दिया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने ही यह कार्रवाई की थी, और इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब दोबारा से उसको खोलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें इस समय अंदर पहुंची हुई है, जो यहाँ के
पीएमओ है सिविल हॉस्पिटल के, उन्होंने भी बताया कि कहीं ना कहीं जो सीलिंग हुई थी उसको अब खोला जा रहा है। मरीज आप देख सकते हैं हालांकि सुबह से लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर जरूर खड़े हैं। कल भी मरीज काफी आए थे जो इमरजेंसी में थे, उनका भी यहाँ पर सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ था, लेकिन आज जो है आप देख सकते हैं ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और इस समय हालांकि मरीजों को सुबह से यहाँ पर इंतजार जरूर करना पड़ रहा है, 10 बजे से ऊपर का समय हो चुका है, अभी तक हालांकि कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, सीटी स्कैन होने शुरू नहीं हुए हैं। लेकिन इस समय जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं, जो जानकारी मिली है कि वो इस समय अंदर अपनी तरफ से जो सीलिंग उन्होंने की गई थी उस कार्रवाई को जो है हटाते हुए नजर आ रहे। तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन की जो मशीनें सील की गई थी, अब उनको खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। जो सीलिंग है वो आप देख सकते हैं खोल दी गई है। जैसा कि जो पीएमओ है पीयूष शर्मा, उन्होंने भी बताया कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो सील किया गया था लेकिन अब उसको खोल दिया गया है। ये तस्वीरें इस समय करनाल के सिविल हॉस्पिटल से आप देख सकते हैं, जहां पर जो सीलिंग थी वो यहां पर खोल दी गई है, क्योंकि एक रिन्यूअल नहीं था। रिन्यूअल के चलते जिस तरह से सिविल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कार्रवाई होती है, उसी तरह से सरकारी हॉस्पिटल में भी यह कार्रवाई की गई थी। इस समय में जो मैम है, यहाँ के डॉक्टर हैं, उनसे जानना चाहेंगे मैम, जो कार्रवाई हुई थी उसको क्या खोल दिया गया, मरीजों के लिए शुरू हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, अभी आदेश अनुसार अभी हमने खोल दी है। हाँ जी, दोनों अल्ट्रासाउंड मशीन और सीटी स्कैन जो हमने सैटरडे को सील किया था अभी हमने खोल दिया है तुरंत प्रभाव से, और ताकि मरीजों को किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े। क्या वजह थी? वो ये था, रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल अप्लाई करना होता है, वो जिसकी वजह से डिले हुआ और करना। तो शुरू कर दिया कार्रवाई? हाँ जी, शुरू सब कार्रवाई हो चुकी है, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड दोनों ओपन कर दिए। आपका नाम? डॉक्टर नीरू शर्मा। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर नीरू शर्मा है, और इस तरह की जो कार्रवाई है अमूमन समय समय पर की जाती रही है। और इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो डॉक्टर्स इंचार्ज हैं वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं, और सभी जो सीलिंग थी उसको खोल दिया गया है। ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, अभी कुछ ही देर में जो सभी मशीनें हैं वो वर्क करना शुरू कर जाएंगी। आप ये देख सकते हैं अभी कुछ ही देर में जो मशीन्स हैं वो वर्क करना शुरू कर देंगी, और जो मरीजों को परेशानी जरूर आ रही थी उसका कहीं ना कहीं जो जल्द है समय मैम है डिप्टी सिविल सर्जन, मैम क्या बताना चाहेंगे, जो सीलिंग कार्रवाई थी वो खोल दी गई है, मरीजों को काफ़ी परेशानी आ रही थी? हाँ, वैसे तो हमने सैटरडे को ही बंद की थी कि मरीजों को कोई परेशानी नहीं आए, और कल संडे था, और अभी सुबह हमारी 9:30 बजे DAC की मीटिंग कर दी गई है, और वहाँ पर हमने उन्होंने ये ऑर्डर कर दिया है इसको डीसील कर दिया जाए। तो मैं सिविल हॉस्पिटल की तरफ से क्या लापरवाही रही थी, समय रहते रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था? हाँ, इनके 1.5 महीना हो चुका था, इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, और हमने इनको वर्बली भी बोला था कि ये करा लें ताकि जनहित में किसी को नुकसान ना हो, लेकिन इनकी तरफ से कोई पेपर्स आए नहीं थे तो हमें ये करना पड़ा। तो ये आप देख सकते हैं समय हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ पर जो समय रहते एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है, नोटिस के बाद भी जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है नहीं कराया गया था, जिसके चलते जो है सील कर दिया गया था अल्ट्रासाउंड दोनों मशीनों को और सीटी स्कैन को। और इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर्स हैं डिप्टी सिविल सर्जन हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, ताकि जो सीलिंग कार्रवाई की गई थी उसको जो है यहाँ से हटाया जाए, ताकि मरीजों के लिए वह ओपन कर दिया जाए। हालाँकि 9 बजे रूटीन में ओपन हो जाता है, कुछ एक देर लगेगी जिसके बाद जो मरीज बाहर खड़े हैं उनको कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो परेशानी ना आए, और जल्द से जल्द जो है यहां पर अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन होने जो है शुरू हो जाए, जिसकी तस्वीरें समय आप करनाल के सिविल हॉस्पिटल से आप देख रहे थे। तो हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये तस्वीरें समय आपने देखी करनाल के सिविल हॉस्पिटल से, जहां पर जिस अल्ट्रासाउंड मशीनों को जिस सिटी स्कैन को सील किया गया था, लापरवाही जरूर जो है देखने को मिली थी कि समय रहते यहां का जो रजिस्ट्रेशन था उसको नोटिस देने के बाद भी नहीं कराया गया था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमें यहां पर पहुंची थी, इसको सील कर दिया गया था, लेकिन अब इसको ठीक किया जा रहा है, यानी कि इसकी सीलिंग जो है खोल दी गई है ताकि मरीजों के लिए यह ओपन कर दिया जाए। तो ये बड़ी अपडेट है, काफी मरीज कल भी आए लेकिन उनका सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाया था। हालांकि गनीमत यह थी कि शनिवार और रविवार का दिन था, जिसके चलते काफी कम मरीज जो है देखने को मिले थे, क्योंकि छुट्टी होती है, लेकिन इमरजेंसी मरीजों का इस तरह सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड होता है, लेकिन उनका भी नहीं हो पाया। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इसको खोलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है, और कुछ ही देर में मरीजों के लिए यह ओपन कर दिया जाएगा। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।